हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और शाम का समय हुआ है, शाम के मेरे काम शुरू हो चुके हैं और अब मैं शाम के खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ, उसको बनाती हूँ। चलते हैं किचन में और उसके बाद मैं थोड़ी अपनी अलमारी को साफ़ करूँगी, यहाँ पर कपड़े वगैरह सही करूँगी यहाँ पर। और मैंने घी गर्म किया था सोया, तो मैं उसको भी रखूँगी अंदर करके छान के उसे। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ, करते हैं आपके साथ अपना शाम का रूटीन से। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल, पीली दाल अरहर वाली, और हमको इतनी काफी रहेगी थोड़ी। दाल को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से वॉश करती हूँ दाल को, इसको 5-6 बार कम से कम धो लेंगे साफ पानी से। तो देखिए दाल मेरी धुलकर अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी बनाने के लिए पानी और मैं डाल देती हूँ हल्दी, नमक, बस ये दो चीजें डालूंगी अभी। तो मर्गी जब तड़का लगाऊंगी जब डालूंगी। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे घी, तेल या जो भी, जिससे पानी ना निकले इसका। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। और अब चलते हैं, जो मैंने सुबह घी गर्म करा था उसको मैं छान करके रखती हूँ डब्बे में। तो चलते हैं और इसको भी ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें हम खाने का डेली का भी करते हैं, इसको भी लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर रखा हुआ है मेरा घी जो मैंने गर्म किया था सुबह। और इसमें जितना मुझे घी करना था मैंने कर दिया, बाकी का मैं उसमें करूँगी छोटे डब्बे में, जिसमें हम डेली, जिससे हम खाते पीते हैं डेली, ये हमने स्टोर करके रख दिया है इसमें। और ऐसे ही कर करके थोड़ा थोड़ा मैं इसमें हर बार जब भी घी गर्म करती हूँ इस डब्बे में कर लेती हूँ। अब इसमें कराएंगे और जब तक हमारा घी गर्म करते हैं हम दोबारा, हफ्ते में इतने हमारा ये चल जाता है ये वाला घी इस डब्बे का, तो हमको ये काफी रहता है एक हफ्ते के लिए। तो गाइस मैं इसको ऐसे करके रख दूंगी
जिससे कि इसका सारा घी निचड़ जाए और इसमें डब्बे में आ जाए। थोड़ी देर बाद मैं इसको देख लूंगी आ करके, ऐसे करके रखूंगी, पता नहीं रुक नहीं रहा कैसे। ऐसे कर गए, सारा घी इसमें पूरा घी इसमें ही आ जाएगा। और इसको मैं ऊपर रखे देती हूँ, जो मैंने ये स्टोर करने के लिए रखा है, इसको बाद में खा लेंगे। जो हमारी भैंस दूध नहीं देगी उसके बाद के लिए हम घी स्टोर करके रखते हैं। और पहले मैं हाथ धोकर करा दूंगी, क्योंकि हाथ मेरे चिकने हो गए हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह तय करूंगी। यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकालती हूँ, इनको अच्छे से तय करूंगी। यहाँ पर रखूंगी और सारे कपड़ों को खाट पर, फिर अच्छे से इनकी तय वगैरह करूंगी, फिर दोबारा लगाऊंगी। एक बेटी कपड़े निकालती है, सारे कपड़ों को बेकार कर देती है। और पहले मैं इसको सारे कपड़ों को यहाँ रखकर और पहले अलमारी को साफ करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत बैठ जाती है। मैं इसको अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कितनी ही खिड़की वगैरह चढ़ी हुई है फिर भी धूल बैठ ही जाती है, इसको साफ करते रहना चाहिए। और अब इधर की साइड, उधर की साइड को मैंने साफ कर ली, इधर की साइड साफ कर ली। और मैंने यहाँ पर ये वाली पन्नी बिछाई हुई है, ये वाली। अब करते हैं कपड़े तो अलमारी मेरी साफ हो चुकी है। इस टोकरी में बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े रखे हुए हैं, पहले इनकी तय कर लेंगे। बेटी के हैंकी वगैरह, स्कूल के सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं इसमें। सबको मैंने अच्छे से तय कर लिया है। और ये वाले तो मेरी बेटी के हैं, ये दो लाइन जो लगी हुई हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हस्बैंड के हैं। और इसमें इस टोकरी में हम छोटे छोटे कपड़े रखते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए, हैंकी हो गए, और छोटे मोटे बच्चे के हो गए, तो ये इसमें रखेंगे। और ये है मेरी बेटी की ड्रेस, जो कि अब बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, क्योंकि स्कूल बच्चे जाते ही नहीं हैं लॉकडाउन में, तो ये ऐसे ही रखी हुई है कोई नहीं, लेकिन फिर दोबारा खुलेंगे इसको, तो हम इनको अच्छे तरह रखते हैं उधर अलमारी में, तय हमने कर लिए हैं। चलते हैं, ये मेरे सूट हैं, इनको भी रखते हैं। तो मैं बंद कर देती हूँ, देखने को भी दर्शा लग चुके हैं।
मटेरियल वाले कैसे अच्छे से सेट हुई है देखिए। देखिए मैंने अलवारी अच्छे से सेट कर दी है, सारे कपड़े लगा दिए हैं। देखिए आप उधर यहाँ तक लगा दिए सारे कपड़े। ये अच्छे से सेट कर दिए मैंने सारी अलवारी। और अब मैं करती हूँ इसको बंद और चलते हैं किचन, करते हैं दूसरे और काम। तो देखिए गाइस हमारी छत पर नाच रहा है मोर और हम इसको आपको दिखा रहे हैं और ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि ये उड़ जाएगा इसलिए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये ज़्यादातर डेली ही यहाँ पर नाचता है सुबह को और शाम को। देखिए अभी इसको पता नहीं है, इसको हम देख नहीं रहे हैं क्योंकि हम कमरे के अंदर खड़े हुए हैं और हमने खिड़की से शूट करी है ये वीडियो। तो देखिए कल हमारे घर में प्रोग्राम है, मतलब हमारे परिवार में, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। तो देखिए मैं कौन सी साड़ी पहनूँ बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में हल्की ही पहनूँगी। एक तो मैंने ये निकाली है हल्की सी साड़ी, ये वाली जो एकदम हल्की है, और एक निकाली है मैंने ये वाली ब्लैक कलर की, ये वाली। तो देखिए आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ कल। ये देखिए दो हल्की साड़ी निकाली है मैंने, भारी नहीं निकाली क्योंकि गर्मी में भारी पहने भी नहीं जाएंगे, परेशान हो जाएंगे इसलिए। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कल मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं। तो दाल मेरी बन चुकी है और यहाँ पर मैं करती हूँ दूध गर्म, जो मैं बनाऊँगी दही जिसकी सुबह के लिए, वो वाला दूध गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया। और यहाँ पर ये कुछ आम रखे हुए हैं जो मैंने धोकर रख दिए थे और अब मैं इन्हें अंदर फ्रिज में रखूँगी क्योंकि अच्छे से सूख चुके हैं, पानी इनका सूख चुका है। और यहाँ पर रखा है कुछ दूध, इसे मैं डालूंगी जमाने वाले दूध में, और ये वाला मैं गर्म करूंगी पीने के लिए दूध, इसमें डाले देती हूँ। और इसमें से थोड़ा सा दूध में इसमें डालूंगी, किसमें आई गई है मलाई, ये वाला कच्चा ही दूध है, और इसको करूंगी गरम। पीने के लिए रात को इसमें पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। और ये मेरी दाल बन चुकी है इसी, इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। और इतने मेरा दूध बॉईल होंगे इतने में तड़के के लिए प्याज वगैरह काटे लेती हूँ, प्याज टमाटर। टमाटर और हरी मिर्च को मैंने वॉश कर लिया है, अब मैं इसमें काटूंगी इसको।
मेरे दूध वगैरह मेरा बॉईल हो चुका है, दाल वगैरह मेरी बन चुकी है, आटा मैंने लगा कर रख दिया है, सारे काम मेरे हो चुके हैं और खाना मैं अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। अभी किसी को भूख नहीं है और उससे पहले मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।